दोस्तों व्हाट्सएप तो हम सभी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप भी व्हाट्सएप यूज़ करते हो उसमें भी आपके ग्रुप्स है तो आपको इसमें ये फीचर बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगा जिसका नाम है व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये एक नया फीचर आने वाला है जिसको अभी बीटा वर्जन के अंदर टेस्ट करा जा रहा है व्हाट्सएप के, और जल्द ही हमें शायद से देखने के लिए मिल सकता है हमारे रेगुलर व्हाट्सएप के अंदर। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि मालगवा, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों व्हाट्सएप भी अभी नया फीचर लेकर आने वाला है जिसके अंदर अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, इसके बारे में हमको पता चल जाएगा थोड़े ही दिनों में। लेकिन अभी दोस्तों ये जो फीचर है इसको बीटा वर्जन में यूज़ करा जा रहा है, जो बीटा वर्जन है एंड्रॉयड के और विंडोज़ फोन के, इन दो के अंदर ये अभी ट्राई करा जा रहा है। और अभी ISO जो है उसके लिए अभी एक्सपेक्टेड नहीं है ये आना, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों में ये उसके लिए भी आ जाए। दोस्तों ये जो डिस्क्रिप्शन फीचर रहेगा ये एकदम ऐसा रहेगा जैसे हम स्टेटस डालते हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, उसी तरीके से हम इसके अंदर अपने ग्रुप के एक डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं जो ग्रुप का स्टेटस होगा एक तरीके से, और बड़ी आसानी से हम अपने ग्रुप को उससे यूज कर सकते हैं। जो दोस्तों ये जो नया फीचर रहेगा इसके अंदर जब हम अपना डिस्क्रिप्शन लिखेंगे व्हाट्सएप के ग्रुप का, तो इससे कोई भी मेंबर को भी, अभी जो बीटा वर्जन में इसको ट्राई करा जा रहा है, तो इसके अंदर कोई भी मेंबर अपने ग्रुप का चेंज कर सकता है अपना डिस्क्रिप्शन। लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ऐसा करने वाला है कि जो एडमिन होता है, जो मेन जिसको एक्सेस होती है अपने ग्रुप की, वही सिर्फ अगर एक बार किसी ने डिस्क्रिप्शन डाल दिया तो वही सिर्फ चेंज कर सकता है और कोई चेंज नहीं कर सकता। इससे बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसे बहुत सारे कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं तो उनके अंदर अगर कोई भी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दे ग्रुप का तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा उस ग्रुप के लिए। इसलिए व्हाट्सएप ट्राई करने वाला है कि सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन चेंज करने का जो ऑप्शन है वो सिर्फ एडमिन के पास ही रहे और सिर्फ एडमिन ही उसको चेंज कर पाए। दोस्तों जो मैक्सिमम लिमिट होगी ग्रुप डिस्क्रिप्शन की वो हो सकती है 500 कैरेक्टर। अभी 500 कैरेक्टर बीटा वर्जन में यूज़ करा जा रहा है और बताया जा रहा है कि 500 कैरेक्टर बहुत ही एक अच्छी लिमिट रहेगी अगर व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन को ऐड करता है तो। अब दोस्तों ये जो नया फीचर आ रहा है ग्रुप डिस्क्रिप्शन का, इसका मेन पर्पज़ क्या है व्हाट्सएप का? तो दोस्तों व्हाट्सएप का मेन पर्पज़ है कि अगर कोई जैसे ग्रुप ज्वाइन करता है तो ग्रुप ज्वाइन करने से पहले हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर देख सकता है कि क्या इस ग्रुप के अंदर होता है, ये ग्रुप किस चीज़ पे बेस्ड है, ये ग्रुप की क्या स्टैंडिंग है और क्या क्या इसमें चल रहा है, कितने मेंबर्स है, ये सब ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमको देखने के लिए मिल जाएगा। और बड़ी आसानी से अगर किसी को भी ग्रुप ज्वाइन करना है और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता लगानी है तो बड़ी आसानी से वो डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकता है और उसको फिर ज्वाइन कर सकता है। और दोस्तों ये जो रहेगा ग्रुप डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन, ये डिपेंड करता है कि व्यूअर जो है देखने वाला वो पहले से उस ग्रुप के अंदर है या नहीं। अगर वो ग्रुप के अंदर होता है तो उसको आराम से देखने के लिए मिल ही जाएगा, लेकिन अगर वो ग्रुप के अंदर नहीं भी होता है तो भी उसको देखने के लिए मिल जाएगा कि इस ग्रुप का क्या डिस्क्रिप्शन है और अगर मेरे को ज्वाइन करना है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों जो व्हाट्सएप है और भी बहुत सारे नए नए फीचर्स लेकर आता जा रहा है जैसे जैसे व्हाट्सएप आगे बढ़ रहा है। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप एक नए फीचर के साथ आ रहा है जो कि UPI पेमेंट फीचर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन के अंदर कहीं लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों व्हाट्सएप एक और नए फीचर के ऊपर काम कर रहा है जिसके अंदर वो एक ऑप्शन लेकर आने वाला नया जिसका नाम है डिमोट एडमिन। इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि अगर एक ग्रुप के अंदर 5 एडमिन है तो जिस एडमिन जो मेन एडमिन होता है जिसने ग्रुप बनाया है वो चाहे तो जो दूसरा एडमिन है उनके पास जितनी भी पावर्स है उनको ले सकता है, उनको बस नाम का एडमिन बना सकता है, बाकी पावर्स मेन एडमिन के पास ही रहेगी। तो ये भी एक फीचर है जिसके ऊपर व्हाट्सएप काम कर रहा है। और दोस्तों व्हाट्सएप जल्द ही स्टिकर्स भी लेकर आने वाला है, जैसे कि हमने हाइक में देखते हैं स्टिकर्स मिलते हैं हमें देखने के लिए, कुछ वैसे ही स्टिकर्स की हमें फैसिलिटी हमारे अभी देखने के लिए मिल जाएगी नए व्हाट्सएप के फीचर के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी ये बोल रहा जा रहा है कि जो स्टिकर्स का जो फीचर होगा वो फर्स्ट आएगा विंडोज़ फोन में, जैसे कि विंडोज़ फोन में ट्राई करने का अगर वो सक्सेसफुल होता है तो हमको एंड्रॉयड ISO में भी देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने के बाद मुझे याद आया कि मैं भी तो एक बीटा टेस्टर हूँ, तो क्यों ना मैं देख लूँ ये फीचर सच में भी आया है कि नहीं। तो मैंने इसका अपडेट कर लिया बीटा वर्जन में, और जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है तो इसका मैं एडमिन हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जाके आराम से ही, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा एड ग्रुप डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने ग्रुप का कुछ भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ, यहाँ पे इमोजीज भी डाल सकता हूँ, और इसके अंदर हमें 500 कैरेक्टर्स की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है और हम 500 कैरेक्टर से ज़्यादा का डिस्क्रिप्शन नहीं डाल सकते। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है बीटा वर्जन के अंदर, और मैं दोस्तों आशा करता हूँ ये जल्द से जल्द हमारे लिए जो हमारा सिंपल वर्जन होता है उसके अंदर भी हमें देखने के लिए मिल जाए।
तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि व्हाट्सएप का जो नया फीचर आने वाला है ग्रुप डिस्क्रिप्शन का, वो किस टाइप से हमें इंप्लीमेंट होगा और किस टाइप से हमें यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है ये आपके दोस्तों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी तो उनके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की बहुत ही अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और दोस्तों अगर जाने से पहले अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो साइड से आकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे जो लोगो है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।